गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह सुबह होली की तैयारी हो रही है, तो आज सुबह बनने वाला है, मतलब आज दोपहर में। तो इधर मम्मी ने उड़द की दाल भिगोई है और इधर उड़द की दाल पीस रही थी और इधर छोले भिगोए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो हम लोगों के यहाँ दही बड़े, छोले तो ज़रूरी बनते, साथ में बनेंगी पूड़ी। और इधर पहले से ही मम्मी ने अदरक लहसुन ढेर सारी क्वांटिटी में छील करके रखा है, इधर दूध चढ़ा दिया है और दही भी बना कर रख ली है डिब्बे में। तो अभी दही बड़े की तैयारी हो रही है, इसके लिए उड़द दाल का दही बड़ा बनेगा और इसी में मैं कांजी वड़ा भी बनाऊंगी थोड़ा सा। स्टील का बड़ा सा बर्तन ले लिया है, आप चाहो तो मिट्टी का बड़ा सा बर्तन ले लो, उसमें वो परफेक्ट बनता है। मतलब वो दिखने में अच्छा लगता है पर मेरे पास है नहीं, या कांच का ले लो, मेरे पास स्टील का है तो स्टील का ले रही हूँ यहाँ पर। तो कांजी वड़े बनने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर मेरे पास है ये पीली वाली सरसों की दाल, इसे दाल ही बोला जाता है क्योंकि ये दो टुकड़ों में डिवाइड रहती, तो इसे पीसने वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं तो आपके पास अगर खड़ी वाली हो ना तो आप इसे दरदरा कूट लें। तो ये डाल दिया है मैंने इसमें, और इसमें साथ में जाएगा लाल मिर्च पाउडर, तीखा और चटपटा बनाने के लिए, और साथ में जाएगा हींग। तो ये डाल देते हैं हींग। तो यहाँ पर है भुना हुआ जीरा पाउडर, तो इसे डाल दिया है एक चम्मच अच्छे से। तो एक चम्मच ये चला गया, और नमक ले लिया है, नमक भी डाल देंगे इसमें, बाकी ये काला नमक भी डलेगा जब ये फर्मेंट हो जाएगा। तो इसे जल्दी से फर्मेंट करने के लिए क्या करें हैं ये एकदम इजी तरीका बताऊंगी, जो कि ये 2 दिन में तैयार हो जाएगा। वैसे 3 दिन लगते हैं, ये 1.5 से 2 दिन में तैयार हो जाएगा इसका पानी। तो इधर है मेरे पास नॉर्मल पानी और ये है थोड़ा सा गर्म पानी, काफ़ी ज़्यादा ही गर्म है। तो पहले नॉर्मल पानी डाल देते हैं। तो ये चला गया नॉर्मल पानी, इसके बाद गर्म पानी ताकि जल्दी से ये एक्टिवेट हो जाए। ये हो गया इसमें, और इसके पानी का ही पूरा मज़ा है। तो पानी तो अच्छी क्वांटिटी में बनाएं, क्योंकि बड़े खाने के बाद ऐसा लगता है कि आधी आधी एक ग्लास पी लो इसका पानी। तो इसे रखेंगे धूप में, और थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है तो इसे रख देते हैं धूप में, ताकि ये फटाफट से फर्मेंट होना स्टार्ट हो जाए। मम्मी कह रही कि वहाँ ज्यादा धूप आएगा, मैंने यहाँ रख दिया था, तो बोली इधर छांव आ जाएगा, धूप में रख दो तो जल्दी फर्मेंट होगा। इधर दीवार के साइड में रख दिया है, और स्टील है तो जल्दी गर्म हो जाती है, तो अच्छा जल्दी से फर्मेंट हो जाएगा। स्टील में रखने का ये भी एक फ़ायदा है। और इधर मम्मी मिर्ची उर्ची सुखा रखी हैं, संतरे वगैरह, और थोड़ा बच्चे निकलने लगे हैं खेलने के लिए होली, तो एक दो बच्चे उधर खेलना स्टार्ट कर दिया है, वो देखिए। छत में कपड़े भी डाल दिए हैं, धो दिए थे सुबह सुबह, आज अच्छे से पानी आया नहीं नर्मदा का। तो चलते हैं नीचे, और नीचे का थोड़ा काम हम निपटाते हैं, फिर खाने पीने में लगते हैं। नहाऊंगी है नहीं क्योंकि होली खेलना है। दरवाजा लॉक कर देते हैं। ये तरबूज का नाश्ता किया है, अभी बनना है मसाला पापड़। तो यहाँ रखा है पापड़ बेसन वाली, और अभी मम्मी बना रही हैं। तो इधर जो बचा हुआ कटहल था ना, उस दिन मार्केट से लेके आए थे, तो इसका बनेगा आज कबाब। तो मम्मी अभी धो करके इसे 2 सीटी लगवाएंगी, हल्का सा नमक डाल करके और कुछ खड़े मसालों के साथ, तो इसका बहुत ही बेहतरीन कबाब बनेगा चने की दाल के साथ। तो नमक डाल दिया है मम्मी ने, बोला बाद में डाल देंगे मसाले। और इधर बनने जा रहा है मसाला पापड़, बढ़िया सा बड़ी सी परात में मैंने बना है मसाला पापड़, एक नंबर बना है, अभी खाएंगे। मस्त करारे करारे से हैं, इसमें सेव डाल दी है पतली वाली, और प्याज है, और इसमें खीरा है, और साथ में है क्या बोलते हैं उसको, खीरा, हाँ खीरा। सेकंड राउंड बन रहा है मसाला पापड़,
और बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। बनाना स्टार्ट करते हैं कटहल का कबाब। तो यहाँ ले लिया है काबुली चने, नॉर्मल चने की दाल भी ले सकते हैं। मम्मी ने छोले के लिए भिगोई थी तो बोला कि इसी में से ले लो, अभी भिगाई नहीं है मैंने चने की दाल। तो इसमें जाएंगे कुछ कुछ मसाले। तो इसमें जाएगा लहसुन, तो यहाँ ले ली है अदरक, और ली है छोटी इलायची, और एक बड़ी इलायची भी जाएगी इसमें, और यहाँ पे लौंग ली है, काली मिर्च ली है। तो ये सारा का सारा इसमें डाल देते हैं, और साथ में डालेंगे जीरा। तो ये डाली है बड़ी इलायची, और गानों का शोर सुनाई देगा क्योंकि आज होली है, थोड़ा सा जाएगा इसमें जीरा। तो कटहल के कबाब हैं तो थोड़ी सी हींग भी जाएगी क्योंकि थोड़ा गैस वगैरह बनाती है इस हिसाब से। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और ये देखिए मम्मी के बड़े बनके इधर तैयार हैं पानी वाले, और कुछ फ्राई हो रहे हैं। इधर जो कटहल उबाली थी उसे हल्का सा ठंडा कर लिया, इसे हाथों से मसल लिया है, बढ़िया से मसल लेंगे, बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। इसके बाद जो मैंने पीसा था इसमें चना, और उसके साथ जो मसाले पीसे थे सबको इसमें डाल देंगे अच्छे से, इसको भी मिला लेना है। फिर ऊपर से जाएगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और इसमें जाएगा थोड़ा सा नॉर्मल गरम मसाला, और उसके बाद डाली है सौंफ। तो सौंफ बिल्कुल ऑप्शनल है, ये बहुत वैसे अच्छी लगती है खाने में कबाब में। और इसके साथ डाला है नमक, और यहाँ पर डाल दिया है धनिया पत्ता, और साथ में यहाँ पे बारीक कट कर ली थी मिर्ची। इन सब को मिला लेंगे अच्छे से। तो मिर्ची मैंने अभी नहीं मिलाई है, बच्चों के लिए थोड़ा सा मिला करके पूरा बैटर अलग रख लूँगी, और उसके बाद लास्ट में मिर्ची मिलाऊँगी। तो इससे क्या है बच्चे भी आराम से खा लेंगे। तो अब मैंने बच्चों के लिए अलग कर दिया है, अब डाल दी है इसमें मिर्ची, और बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। जी मसाला पूरा बन के तैयार है कबाब का पूरा, और इसको इस तरह से चिपटा करके कबाब का शेप देना चाहे, जैसे कई लोग अलग अलग शेप के बनाते हैं उस हिसाब से आप अपने हिसाब से बना लेना, जो ज़्यादा मोटा रखें ना ज़्यादा पतला। वैसे मैक्सिमम तो कबाब ऐसी ही शेप के रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, पूरा नॉनवेज वाली फीलिंग देता है। तो इस तरह से पूरा बना करके रखें। फ्राई हो रहा है इधर मिर्ची वाले, और बच्चों के लिए बिना मिर्ची वाले फ्राई करके रखे हैं बिना सीजिए, और इधर काफ़ी सारे बना के रख लिए हैं, तो अभी बाद में फ्राई करेंगे, जा रहे हैं होली खेलने के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। तो ये खाने में बड़े ज़बरदस्त लगते हैं, और बनाएंगे बाद में चटनी बनने वाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया खाना बनाते बनाते। तो आप चाहें तो ऐसे फ्राई करके बनाएं, सेलो फ्राई कर लें तवे में डाल करके हल्का हल्का सा तेल, फिर भी खा सकते हैं वैसे। अरे तुम भी अब ना मिलेगा भी खुला देखना। और हमने खूब जमकर होली खेली पड़ोस वाली भाभी भैया लोग के साथ, और बच्चों ने भी जमकर होली खेली, इतने भयंकर भयंकर के कलर लाए थे कि गजब की होली खेली हमने। तो होली वगैरह तो खेल ली, इधर मैंने अभी बनाए हैं छोले मस्त वाले, और इधर मम्मी पूड़ी तल रही है, बाकी मैंने पूड़ी तल के यहाँ रख दी है, थोड़ी सी नहीं तली तो मम्मी तल रही हैं, और इधर बड़े तैयार हैं तो शाम को बनेंगे दही बड़े, और इधर कबाब भी बढ़िया से बन के तैयार हैं, ये देखिए कबाब, और थाली भी लगी हुई है। तो भाई खाना खाने जा रहा था, उसकी थाली सेट कर दी है इधर। तो पूड़ी है, सलाद है, पापड़ है, कबाब है, और इधर है आपका गुजिया मीठे में, और ये ऐसी प्लेन ही बड़ा खाता है इस तरह से पानी वाला छोला। तो मुंह का अभी रंग नहीं छूटा है, हाथ में तो लगा ही हुआ है, जबकि मैंने दोनों बच्चों को नहलाया फिर भी रंग नहीं छूटा है, यहाँ नाक के पास लगा है, और ये धनिया लग गया खाना बनाते समय। और ये देखिए बिटिया को देखिए, और ये मेरी मम्मी तो अभी पूरा लाली लाल है, ये देखिए छूटा ही नहीं है, इसको 2-3 दिन लगेगा छूटने में। और ये भी एकदम हाथ सबके लाल है, भयंकर भयंकर के कलर भैया लोगों ने लाए थे, और मेरा हाथ का भी ऐसी ही हाल है। फिर खाना पीना खा करके हमने आराम किया, और फिर क्या होता है यहाँ
हमारे इधर पे कि शाम को एक दूसरे के घर पे जाते हैं होली की मुबारकबाद देने, और जो भी जिसके घर में जो कुछ भी बना रहता है सब ला करके खिलाते हैं नाश्ते में। और यहाँ एक अलग टाइप की मुझे गुजिया खाने की, अलसी की गुजिया खाने को मिली थी, बड़ी टेस्टी और बढ़िया थी। फिर एक दूसरे जो भाभी हमारे साथ थी फिर उनके घर भी गए, ऐसे करके हमने कम से कम 10-15 घर में जा कर के सबको होली की मुबारकबाद दी, सबके पकवान खाए जो जो जिनके घर में बने हुए थे, बड़े टेस्टी और बढ़िया बढ़िया बन के बनाए थे सबने। मेरे यहाँ गुलाब जामुन नहीं बना था पर बेटे ने सबके घर में जम कर गुलाब जामुन खाया। वीडियो में पता तो चलेगा कि हाँ होली वाले का मतलब ऐसा।